आगामी महीनों में लोकसभा की चुनाव की घोषणा होने से पहले जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार 370 सीटों पर अपनी जीत का दावा कर दिया है, वहीं कांग्रेस इस दावे के दबाव से निकलने के लिए अपने वर्करों की फौज को अब हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस के अभियान को हर मतदाता तक पहुंचाने का काम शुरू करेगी। इसके लिए सभी लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी ने न केवल प्रभारी नियुक्त किए हैं, बल्कि हर विधानसभा क्षेत्र में 6 क्लस्टर बनाकर हर बूथ पर 25 वर्करों की कमेटियों का गठन किया जाएगा और इस कार्य को इसी सप्ताह के दौरान पूरा भी किया जाएगा। इस कड़ी में वीरवार को गोहाना और बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों की एक बैठक कर कांग्रेस ने जीत की रणनीति का पाठ पढ़ाया। गोहाना के सुरेंद्र दहिया और बड़ौदा के विधायक इंदुराज नरवाल प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इस दौरान गोहाना के विधायक जगबीर मलिक, इंदुराज, डॉक्टर राजेंद्र टोंक, महिला जिला प्रधान नीलम बालियान, रेखा मलिक, सीमा खास और अनूप मलिक ने मीडिया से क्या बात की, देखिए गोहाना से सारिका की रिपोर्ट। अभी आज का जो प्रमुख उद्देश्य था, जो हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, आदरणीय भाई दीपेंद्र हुड्डा जी और हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उदय भान जी, एक संकल्प पत्र है जो हमने हर घर 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 कांग्रेस पहुंचाने की का काम करेंगे और उसके लिए हमने टीम गठित की है। हमने बूथ, जोन, सेक्टर और ब्लॉक लेवल की जो कमेटियाँ वो बनाने का काम किया। आज सारे जो सक्रिय हमारे वर्कर हैं, हमारी टीम है पूरे हर गांव में, उनको बुलाया और उनकी जिम्मेवारी लगाने का काम किया कि आप एक भी वोटर के नहीं छूटना चाहिए, ना कोई घर छूटना चाहिए, ना कोई महिला छूटनी चाहिए। हर आदमी के हाथ में, हर वोटर के हाथ में वो संकल्प का जो सिस्टम है कांग्रेस का चला हुआ है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर बूथ पर कमेटीज कॉन्स्टिट्यूट हो रही है, इनके जो है मंडल बनाए जा रहे हैं, मंडल के बजाय सेक्टर, फिर सेक्टर बनाएंगे, फिर बूथ लेवल तक ऊपर से नीचे तक सारा सिस्टम सेट करने लग रही कांग्रेस वाले और तकरीबन 80% काम जो है पूरा हो चुका है। चुनाव जैसे बहुत नज़दीक है, जो ये मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, ये बहुत पहले शुरू करना चाहिए था। जैसे अभी बहुत लोग शिकायत कर रहे हैं कि चेहरे दिखते हैं, ऐसा है ये नहीं है। बूथ लेवल पर आप जाओगे तो आपको पता लगेगा किस गांव में कौन से मेन कार्यकर्ता है, सारा रिकॉर्ड है सब कुछ। अब कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहाँ रही बात इस बात की, आज लोग पिछले 10 साल के कांग्रेस राज में जो हुड्डा साहब ने काम किए, आज उन लोगों को उनको काम को याद कर रहे हैं और सारा माहौल ही बदला हुआ है। आज जो ये लगता है ना ऊपर का लिफाफा, जो ये नकली नारा दे रहे हैं जो बीजेपी वाले, जो आम आदमी किसान की दुगनी करने की बात करते हैं, जो 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, आज वो बात नहीं कर रहे। आज महंगाई की बात नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहे। आम आदमी भ्रष्टाचार इस महंगाई से तकलीफ में है और आज इसका बदला लोग शांत हैं। जिस तरह की राजनीति देश में मोदी सरकार ने चलाई हुई है, बदले की राजनीति, चीफ मिनिस्टर को अंदर कर देना, गलत ढंग से वोटिंग का, चंडीगढ़ का मामला है, संविधान को जो खत्म करने की जो बात है, आम पढ़ा लिखा आदमी इसके खिलाफ है और इसका नतीजा लोग डरे हुए हैं और समय आने पर जो है जो मलिक साहब करेंगे वोटिंग में पता लगेगा यह हुआ क्या, बीजेपी का तब पता लगेगा ये ऐसा हुआ। विधायक जी, चुनाव आते आते ये जो मुद्दे आप लेके चले, ये गौण हो जाते हैं, चेहरे नजर आते हैं कि भाई इसको नहीं देनी वोट, ये इसको हम नहीं जानते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो मुद्दे नहीं, अब तो मुद्दे ही होंगे, सिर्फ ये होगा कि भाई बीजेपी को हराएं कैसे। मुद्दा एक ही है, बीजेपी को जिसने इतनी तकलीफ दी, किसान देश के राज में दुखी है, गरीब आदमी दुखी है, कर्मचारी दुखी है, व्यापारी दुखी है, सब दुखी है। अब वो इससे छुटकारा चाहना चाहते हैं। मुद्दा एक ही है कि इस बीजेपी सरकार से कैसे छुटकारा पाए जाए। जो अनाज दी है ना, ये भी जो है किसकी पॉलिसी थी? कांग्रेस की पॉलिसी थी। और कांग्रेस की पॉलिसी में भी हम जो है ये जो पेंशन काटे गए, लोगों के राशन कार्ड काटे गए, हम इनके खिलाफ भी हैं। जो हुड्डा साहब ने राशन कार्ड बनाए थे वो भी कट गए। तो ये तो ये सुविधा देने वाली बात है, सुविधा छीनने वाली बात करते हैं, ये ऐसी पॉलिसी बनाते हैं। तो आपकी बातों का भरोसा कैसे जीतोगे आप, मतलब आम जनता? अब तक दो बार ये तो कह दिया 400 फिट कर दिया, 400 का नारा। हुड्डा साहब ने गरीब बच्चों के वजीफे दिए कि नहीं दिए? हाँ। वो वापस किसने करे, वो किसने वजीफे काटे? हुड्डा साहब ने उन बच्चों को किताब में वर्दी किसने दी? हुड्डा साहब ने गांव में मकान बनाए कि नहीं बनाए? गांव में मकान बनाए गरीबों के? अब कहाँ है वो?
कैसे बदल जो धरातल पर उनके घर तक पानी पहुंचाया, टंकी दी, ये सब चीज की हुई है। लोगों को विश्वास है जो हुड्डा साहब ने किया है वो कोई भी चीफ मिनिस्टर कर सकता मैदान में है। या दोनों विधायक जी ने जो बात कही है, बहन जी हमने 7 जनवरी को दीपेंद्र हुड्डा ने हरी झंडी दिखाई थी। एक तरफ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2005 से और 2014 तक जो काम किए उस तरफ एक नीति लिख रखी है, और जो आप 2024 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर बनेंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी, एक तरफ वो लग रहा है। ये विधायक जी ने बता दिया 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, किसानों के जो कर्जे हैं माफ हुआ होंगे, जो पहले स्कीमें थी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गरीबों का है जो भला किया, तो इसी चीज में हम जाते हैं। तो 36 बरादरी का पूरा रुझान है और ये चाहते हैं हम कब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाए इस हरियाणा प्रदेश। अच्छा एक बात कही विधायक जी ने कि भाई टिकट मिल जाए तो मेरी कांग्रेस, सर नहीं मिले तो मेरा नहीं। नहीं, किसी भी 36 बरादरी में किसी भी कार्यकर्ता को टिकट मिलेगी सब उसका साथ देंगे और उसको विधायक भी बनाएंगे और एमपी भी बनाएंगे। बरौदा और गोवाणा विधानसभा क्षेत्र के सभी सक्रिय कार्यक्रम और इस मीटिंग के अंदर जो पार्टी नेतृत्व की तरफ से हर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस जाने के लिए एक संकल्प पत्र जारी किया है, वो उसमें पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगाई गई हैं और लगाएंगे ताकि बड़े जोश के साथ हर कार्यकर्ता हर घर में जाकर इसका प्रचार और प्रसार करें, इसके लिए आज ये मीटिंग। तो